हाँ भाई कबीरनगर चलोगे? सर बैठे। हाँ हाँ बैठ जाऊंगा, मगर लोगे कितना? सर जो भी वाजिब हो आप दे दीजिए। कैसे वाजिब, जो भी जायज हो वो बता दो। ठीक है सर, आप बैठिए, आप एक काम कीजिए, 300। ठीक है चलो। साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो ना, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं। अरे जाओ यहाँ से, इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आता तुमको? जाओ कुछ मेहनत करके खाओ। अरे भैया तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो, गरीब इंसान है, शौक से थोड़ी मांग रहा है, जरूर कोई मजबूरी हुई होगी। लो भाई जाओ तुम। साहब मैं कब कह रहा हूँ कि ये शौक से मांग रहा है, ये तो उन्होंने अपना पेशा बना रखा है। अब बंद करो ये बहस, चलो अब। साहब आपने ये सही नहीं किया, इनको समझाने के बजाय अगर आप इनको ऐसे ही भीख देते रहे ना तो साहब नस्ल पर नस्ल ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और फिर गैरतमंद इंसान चाहे माजूर क्यों ना हो वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। अब अगर आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई हो तो मुझे कबीरनगर तक छोड़ दोगे? हाँ सर चलता हूँ। बस बस यही रोक दो, ये लो अपने पैसे। सर कुल्ले रखते हैं नहीं? पास भी नहीं है। ठीक है सर मैं सामने दुकान से कुल्ले लेके आता हूँ। और फिर गैरतमंद इंसान चाहे माजूर क्यों ना हो वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। एक काम करो ये पैसे तुम रख लो। सब ये क्यों, मैंने तो अपने पैसे ले लिए। अरे रख लो, आप लोगों का रमजान का पाक महीना चल रहा है, ये शाम को बच्चों के अफ्तारी में काम आ जाएंगे। नहीं साहब मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मगर क्यों भाई साहब? साहब मैं अपाहिज जरूर हूँ मगर जरूरतमंद नहीं हूँ, ये पैसा आप किसी जरूरतमंद को देते। मगर ऐसा जरूरतमंद आदमी मुझे मिलेगा कहाँ पे? साहब ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, वो तो फिर भी सिर्फ एक इंसान है। चलो आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। साहब बहुत मुबारक।